नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए होंगे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और कैसा लगेगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो मेरा बाबू सोकर उठ गया था, इस वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, वहीं से कट कर दी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था तो मैं चाय बनाने जा रही थी, तो थोड़ा सा रोटी है, दिन का रोटी है, तो चाय बना लूँगी और रोटी को गर्म कर दूँगी तो बच्चे सब खा लेंगे। तो हाँ, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पानी निकाल रही हूँ मैं, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा कम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो इस डब्बे में चीनी रखती हूँ मैं, तो चीनी ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा चीनी 10 रुपये का मंगाई थी तो वही मैं इसमें रख रही हूँ। तो आजकल सामान भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा महंगी है। कुछ भी ख़रीदने जाओ ना तो बड़ा मतलब वो होता है कि हर चीज़ें इतनी महंगाई में कहाँ से कैसे क्या होगा, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती को भी डाल दी हूँ और चीनी को भी डाल दी हूँ। तो यहाँ मैं टोकरी में अदरक रख रखी हूँ, तो मैं थोड़ा सा अदरक ले रखी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा अदरक भी डाल देती हूँ कूट कर। तो फटाफट से बना लेती हूँ चाय को, और क्योंकि सर्दी का टाइम है ना तो थोड़ा बहुत बच्चे पी लेते हैं, थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ, तो इस वजह से मैं बना लेती हूँ। तो चाय मैंने रख दिया है, एक साइड पक रही है और यहाँ पे मैं रोटी को गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफाइंड वाला जो तेल होता है तो वो मैं रोटी में लगा के और यहाँ पे सेक दे रही हूँ, तो अच्छे से सेक जाएगा तो बच्चे खा लेंगे। तो क्योंकि इधर उधर मतलब रोटी ज़्यादा गाय को भी डालना अच्छा नहीं है, और फिर मेरे लिए तो समझ ही सकते हैं आप लोग कितनी मुसीबत से मैं ले आती हूँ, तो मेरे लिए फेंकना तो मैं नहीं ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सेक देती हूँ तो बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर चाय हमारी जो है वो पक रही है, तो अभी जल्दी से पक जाएगी फिर मैं बच्चों को दे दूंगी, बच्चे खा लेंगे। तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं बच्चे ना, तो फिर खेलते रहते हैं, तो फिर मेरा जो काम रहता है वो हो जाता है, फटाफट से जो रहता है वो कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे चाय हमारी पक चुकी है, तो अभी मैं चाय को छान देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ पीने के लिए, तो बच्चे सब खा लेंगे साथ में। तो यहाँ पर 2-3 रोटियाँ मैं सेक रखी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे, तो इतने में तो बच्चों का पेट भर जाता है, क्योंकि बच्चे कितने मतलब कितना खाते हैं। बुलबुल एक रोटी खा लेगी और बाबू आधी रोटी खा लेगा, इससे ज़्यादा तो खाएगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा है, पर खा लेता है। बहुत बच्चे होते हैं ना, नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं सही से, जबकि 2.5 साल का है तो बहुत वो करते हैं। तो मेरा बेटा है जो कि छोटा सा ही है, लेकिन कुछ भी रहता है तो बेचारा खा लेता है, ये नहीं है कि नहीं खाता है, तो सही रहता है। बच्चों को खाना भी चाहिए, अगर बच्चे खाते पीते नहीं है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो बाहर खेल रहे थे तो मैं बुला दी, तो दोनों आ गए अंदर, तो अभी मैं इन दोनों को दे देती हूँ, तो खा लेंगे ये सब। और तो ये देखो आप लोगों को हाय कर रहे हैं, और बाबू बाहर से आते ही बोल रहा है हाय, ऐसे करके बोल रहा है, तो मुझे बड़ी हँसी आ रही थी। ये देखो तो दोनों हाय कर रहे हैं, और कैमरा में पता नहीं क्यों ना थोड़ा सा जैसे धुंधला धुंधला सा आ रहा था, पूरा साफ़ नहीं दिख रहा था, तो मैंने बाद में देखा है लग रहा है कैमरा ही साफ़ नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं चाय को छान दी हूँ, और अपने लिए, बाबू के लिए और बुलबुल के लिए, सब तो हम तीनों के लिए। तो अभी मैं बच्चों को चाय चलिए पिला देती हूँ। तो यहाँ पर गिलास अदला बदली कर रहे हैं बच्चे, तो चलिए मैं अभी चाय पिला देती हूँ इन दोनों को, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो ये देखिए बार बार हाय कर रहे हैं आप लोगों को। तो फिर चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खाना, तो खाने में मैं बनाऊँगी दाल चावल रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं दाल को निकाल लेती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद दाल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं।
तो ये देखिए दाल मैं इतना ले ली हूँ और दाल को अच्छे से बीन लेती हूँ। वैसे कुछ नहीं रहता है लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे दाल को मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और चावल भी निकाल रखी हूँ, तो चावल भी मैं बीन लेती हूँ। तो चावल में भी कुछ उतना नहीं रहता है, एक आध तो कुछ रह जाता है तो रह जाता है, तो फिर मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं धो लूँगी फटाफट से। तो इस तरीके से मैं अपना खाना जो है जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। तो सिंपल सा ही खाना मेरा, दाल चावल और रोटी, यही बनाऊँगी मैं खाने में आज। तो दाल बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे को ना मतलब बाबू को बुलबुल को इन दोनों को दाल ज़्यादा पसंद रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुकर को धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दाल को धोऊँगी। तो घर में ही बैठे बैठे मैं सब कर लेती हूँ, बार बार मुझे दरवाज़ा खोलना बंद करना अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से। तो यहाँ भगोना रख लेती हूँ, फिर उसमें उसी में धो धो के मैं पहले पानी को गिरा लेती हूँ, उसके बाद फिर बाहर ये पानी में गिरा जाती हूँ। इस तरह से मैं काम करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से फिर मैं यहाँ पे दाल धो ली हूँ। अभी मैं दाल को डाल देती हूँ कुकर में। तो बस यहाँ पे मैं दाल को डाल दी हूँ और अभी मैं पानी डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा जितना चाहिए उतना पानी डाल देती हूँ। और दो चार आलू का भरता जो होता है ना, चोखा, चोखा भी बोलते हैं, भरता भी बोलते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर चोखा ही बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे नमक डाल दी हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ फिर उसके बाद। तो यहाँ पे मैं हल्दी भी डाल दी हूँ और इसको अभी मैं साइड में रख देती हूँ। और चावल भी मैं धो लेती हूँ फटाक से। तो सबसे पहले मैं भगोने को धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चावल को धो लूँगी। तो देखिए इस तरीके से। और बाहर बच्चे हैं थोड़ा बहुत, तो शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आवाज़ आती होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे चावल को मैं इस तरीके से फटाफट से धो लेती हूँ। इसे ऐसे ही मेरा जो काम रहता है मैं इसी तरीके से करती हूँ, खाना बनाती हूँ। अगर ज़्यादा कुछ रहता तो पानी अंदर भर के रख लेती हूँ बाल्टी में, फिर वहीं से मैं धो धो के अपना सब काम कर लेती हूँ। तो चावल भी मैं धो लेती हूँ, धुल गया मेरा चावल। और उसके बाद और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आप ही लोगों से हैं। तो यहाँ पे मैं गैस को चालू करके और चावल रख दी हूँ और इस साइड भी कुकर में साइड में कर देती हूँ। तो दो चार आलू को छील लेती हूँ, यहाँ पे मैं आलू निकाल रखी हूँ, तो फिर मैं भी आलू को छील के फटाफट से धो लूँगी। तो आलू छीलने के बाद मैं धोने के बाद लोटे में करके इसी दाल में रख दूँगी, तो एक ही साथ में हो जाएगा, साथ में दाल भी हो जाएगा और आलू भी मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। इस तरीके से क्या होता है ना, जैसे टाइम नहीं लगता, फिर एक बार आलू उबालो फिर एक बार दाल उबालो, तो ऐसे मुझे गैस भी ज़्यादा लगेगा और दिक्कत भी होती है, तो इस वजह से मैं इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे आलू को मैं छील ली हूँ और अभी मैं धो लेती हूँ आलू को। और देख रहे होंगे मेरे बच्चे कोई दिख नहीं रहे हैं, तो वो दोनों बाहर खेल रहे हैं। तो बाहर खेलते रहते हैं, मतलब बच्चे और बच्चे रहते हैं ना छोटे छोटे से, तो उन बच्चों के साथ बाहर खेलते रहते हैं। तो अगर खेलते हैं बाहर ना, तो फिर मेरा भी काम हो जाता है। मुझे जब बाबू मेरा छोटा था तो ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा जब बड़ा हो गया है ना, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी काम रहता है तो कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं आलू को धो लेती हूँ। तो इस लोटे में मैं आलू को धो के डाल दूँगी। तो अभी पहले अच्छे से धो लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं आलू को थोड़ा सा इसमें पानी डाल दी हूँ। तो देखिए यहाँ लोटे में इसे करके दाल में ऐसे करके डाल देती हूँ और अभी मैं लगा देती हूँ ढक्कन इसका। तो उसके बाद मैं चढ़ा देती हूँ इसको।
और उसके बाद यहाँ पे मेरा दाल और चावल एक साइड पक रहे हैं, और मैं यहाँ पे आटा सान लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि आटे में ना टाइम लगता है। जितनी देर तक मेरा वो सब पकेगा उतनी देर तक मैं आटा लगा लूँगी। आटे में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आटा हम जितने अच्छे से सानेंगे ना उतनी अच्छी हमारी रोटी बनती है, तो इसलिए बहुत थोड़ा देरी तक मैं आटा सानती हूँ। अगर हम अच्छे से सानेंगे तभी जाके रोटी अच्छी बनेगी। तो बहुत लोग होते हैं ना जल्दबाजी में जल्दी जल्दी पानी डाल के बस फटाफट से बस लगा के फटाफट रोटी बना लेते हैं, तो वो रोटी अच्छे से बनती नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं बनेगी, खिलेगी भी नहीं। और अगर अच्छे से हम आटा लगाएंगे तो फूलेगी भी और रोटी भी अच्छी बनेगी, एकदम गो मतलब अच्छी सी मुलायम मुलायम रोटियां बनेंगी। तो इस वजह से आटे को खूब अच्छी तरीके से सानना चाहिए। तो देखिए जैसे मैं सान रही हूँ, इस तरीके से आटे को हमें अच्छे से खूब लगाना चाहिए। तो बहुत लोग होते हैं खड़े होकर ही आटा लगाने लगते, जिसके मतलब जो लोग वैसे होते हैं मतलब किचन जिसका होता अच्छा, तो वो लोग सोचते हैं कि काफ़ी मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खड़े थोड़ा सा ही आटा लगाना रहता है ना तो खड़े खड़े वो लगा लेते हैं, पर ज़्यादा अच्छा बैठ के ही अच्छे से आटा अगर सानो तो बैठ के ही अच्छे से सान लो, और अच्छे से सानते भी बनता है और रोटी भी अच्छी बनती है। तो ये लोग ये मतलब जो मैं बता रही हूँ ना ये सच है और आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे देखिए आलू हमारा पक चुका है, तो अभी मैं दाल दिखा देती हूँ कि दाल पका है कि नहीं पका है। तो ये देखिए दाल भी हमारी पक चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो दाल को भूनने के लिए चलिए अभी मैं यहाँ कढ़ाई रख दी हूँ, और उसके बाद यहाँ पे तेल डाल देती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद तेल को गर्म होने देती हूँ थोड़ी देर तक के लिए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जीरे को डाल दी हूँ, तो अभी थोड़ा सा इसको चटकने दूँगी, उसके बाद तो हमारी एक वीडियो डिलीट हो गई थी। तो प्लीज़ मतलब कि दाल कब डाली थी ये चीज़ मैं वीडियो बनाई थी पर और वो डिलीट हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो है प्याज को डाल दी हूँ, तो प्याज अभी अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर और हरी धनिया मिर्ची सब काट रखी थी, तो सब मैं एक ही बार में डाल दी हूँ। तो बस यहीं तक की हमारी वीडियो है, और वो जो बता रही थी ना आधी वीडियो कट गई है, तो वो कट गई थी। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।